भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खोलती ये तस्वीर महाराष्ट्र की है। ये महाराष्ट्र का समृद्धि हाईवे है, जिसको करोड़ों की लागत से बनाया गया और कुछ ही समय पहले ही इसका उद्घाटन मोदी जी ने खुद अपने कर कमलों से किया था, जिसमें अब भ्रष्टाचार की दरारें पड़ गई हैं। नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता के पैसों से जनता को ही चूना लगा रहे हैं और महाराष्ट्र के समृद्धि हाईवे की दरारें इसका जीता जागता सबूत है। 2022 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हाईवे का उद्घाटन किया था और महज डेढ़ साल में यह हाईवे चलने के लायक भी नहीं बचा है। 50 फीट लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें इस पर पड़ गई। समृद्धि महामार्ग हाईवे महाराष्ट्र के 10 जिलों के 392 गांव से गुजरता है। महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थल शिरडी, बीबी का मकबरा, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर और ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी इसी के रास्ते में पड़ते हैं। ऐसे में लाखों लोग हर दिन इस पर सफर करते हैं, लेकिन भाजपा के भ्रष्टाचार का ये अकेला नमूना नहीं। मुंबई में 18,000 करोड़ की लागत से बना अटल सेतु, अयोध्या की सड़कें, जबलपुर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर 1, ये तमाम उदाहरण मौजूद हैं जो मोदी जी के और उनके पार्टी के भ्रष्टाचार और घपले की गवाही दे रही हैं। अटल सेतु 18,000 करोड़ में बना। मोदी जी ने जनवरी 2024 यानी कि इसी साल इसका उद्घाटन भी किया था और महज 6 महीने में इसमें दरारें आ गई। जबलपुर एयरपोर्ट 450 करोड़ की लागत से बना। मोदी जी ने इसी साल मार्च में इसका उद्घाटन किया था और जून की बारिश में ढह गया। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर 1 4,600 करोड़ की लागत से बना। मोदी जी ने मार्च 2024 में इसका उद्घाटन किया और ये भी मौसम की पहली बारिश में धराशाही हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। अयोध्या का राम मंदिर 1,800 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण हुआ। 22 जनवरी को मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की और पहली बारिश में ही मंदिर परिसर में पानी लीक होने लगा। मोदी जी हवाबाजी और दिखावे के चक्कर में जल्दी जल्दी निर्माण कराते हैं, फिर खामियाजा हमारे और आपके जैसे आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जनता को टैक्स के बदले ये दरारें मिलती हैं। मोदी जी का नियम एकदम साफ है, खूब खाओ खूब खिलाओ। मोदी, उनके मंत्री, उनके राजनीतिक साथी और उनके पूंजीपति मित्र मिलकर देश का पैसा जमकर लूट रहे हैं।